आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में सातों चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। वहीं अब सभी पार्टियों को 10 मार्च का बेसब्री से इंतजार है। वहीं उससे पहले ईवीएम को लेकर संग्राम शुरू हो चुका है। वहीं इससे अब राकेश टिकैत भी कूद पड़े हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर मतदान हो चुका है और अब 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है और अब विपक्ष ईवीएम की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और विपक्षी दलों ने ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में ले ली है और इस स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर डेरा जमाए बैठे हैं। और इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत भी इस संग्राम में कूद पड़े हैं। राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया है कि मतगणना में फर्जीवाड़ा हो सकता है, जिसको रोकने के लिए किसानों को तैयार रहना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि मतगणना गड़बड़ी की बिल्कुल आशंका है, ये गिनती में गड़बड़ी करेंगे, ये हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे, इसीलिए जनता को निगाह रखनी होगी। ना, हम तो मंडी में आए, यहाँ सब्जी देखेंगे, दो दिन यहाँ क्या बिकेगी। हमने तो किसानों कहा दो दिन की छुट्टी ला गई हो मंडी में, तो मुझे लगे बंद रहेगी दिखे उस दिन। ये किसान सब्जी कहाँ बेचेंगे और ये करेंगे रपनी भाई, वोट आठ दे रखी उसकी गिनती ठीक करवाइयो, देखने आए यहाँ पे तो दोनों चीज यही है। तो सब किस तरह की आशंका है, कोई गड़बड़ी हो? ये जोनसी यूनिवर्सिटी है ना, इनकी वे हारे हुए को जीत कर पास कर दे, वे अपनी को निगार आ गयो भाई, ये हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे। कुछ आधार कुछ रहे, कुछ सुना गया आपके पास? हाँ, पहले जिला पंचायत में उन्होंने कराया सही, क्योंकि चोरी करने वाले को रास्ता पता चलेगा चोरी कैसे करता है, वो उसी रास्ते से दोबारा आवेगा। अपनी को निगार आ गयो, ये गांव वालों ने बताया हमें भी, मगर भाई जाके देखेंगे। हम तो मंडी में जाएंगे, हम तो गणना स्थल को तो हम जाए नहीं करते, लेकिन मंडी में जरूर जाएंगे। मंडी चल रही नहीं चल रही, तीन कानूनों के बाद में क्या हाल हुआ, तो मंडी की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो इसके लिए बाकायदा सपा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी है, जहां सोशल मीडिया पर मेरठ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के हस्तिनापुर सीट से प्रत्याशी योगेश वर्मा इन दिनों दूरबीन से ईवीएम मशीनों की निगरानी करने को लेकर चर्चा में है। उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, इसमें वो एक जीप पर दूरबीन से ईवीएम मशीन की सुरक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग रूम पर नजर बनाए हुए हैं। इसके लिए बाकायदा 24 घंटे नजर रखी जा रही है, निगरानी के लिए 8-8 घंटे की शिफ्ट भी लगाई गई है। बता दें कि ईवीएम का रोना रो रहे विपक्ष पर सत्ताधारी बीजेपी भी चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। अनुराग ठाकुर ने सपा पर हमला करते हुए दावा किया कि जनता समाजवादी पार्टी से पूरी तरह खफा है। उन्होंने कहा कि आगामी 10 मार्च को सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहेंगे कि अब की बार फिर ईवीएम बेवफा है। किसानों को बिजली के दाम आधे करने का काम योगी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। ये एक नई शुरुआत है, ये डबल इंजन की सरकार की पहचान है। जो कहते हैं नई सपा है, मैं कहूँगा वही सपा है जिनसे सब खफा है, जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ये नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिससे जनता पूरी तरह खफा है। और अब 10 मार्च को सपा प्रमुख अखिलेश जी कहेंगे अब की बार फिर ईवीएम बेवफा है। गौरतलब है कि अब 10 मार्च को ही पता चलेगा कि ईवीएम किसके लिए बेवफा साबित होती है और किसके हाथ में यूपी की कुर्सी जाती है। प्राइम टीवी से आरती तिवारी की रिपोर्ट। तो लगातार
विपक्षी पार्टियां स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रही है, खासतौर से सपा शिफ्ट लगाई जा रही है। तो कहीं अगर बात करें बस्ती की तो वहां पे तो पर्चियां भी स्ट्रांग रूम के पीछे मिली थी, जिसके बाद सवालिया निशान कई खड़े हो गए। तो वहीं ईवीएम से छेड़छाड़ की खबर कोई पहली बार नहीं है और ना ही इस पे सरकार को घेरा जाता है। हर बार इलेक्शन के बाद ईवीएम पे सवाल उठता है, इसलिए अनुराग ठाकुर ने भी बोल दिया कि 10 मार्च के बाद सपा कहेगी ईवीएम बेवफा है। ईवीएम को लेके चुनाव खत्म होने से पहले ही कई बयानबाजी शुरू हो गई है। अब ईवीएम में कौन से फैसले सामने आते हैं और क्या निकल कर आता है, अब ये 10 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए हर चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।